आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कप्तान और उप कप्तान का आपको चयन करना नहीं आता है, आपको कप्तान और वाइस कैप्टन को सिलेक्शन करना नहीं आता है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको जो है कप्तान को भी सिलेक्ट करना आ जाएगा, वाइस कैप्टन को भी सिलेक्ट करना और आ जाएगा, क्योंकि सारा जो खेल होता है ड्रीम इलेवन का वो कप्तान और वाइस कप्तान के ऊपर होता है। अगर आपका कप्तान फ्लॉप हो गया या फिर वाइस कैप्टन फ्लॉप हो गया तो दोस्तों आपका टीम गया तेल लेने, आपका टीम कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आपको अब हम बताएंगे कि कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो आप कॉन्टेस्ट को समझो कि कॉन्टेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों कॉन्टेस्ट दो प्रकार के होते हैं, तीन चार प्रकार के भी होते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको दो प्रकार के ही बताने वाला हूं। एक होता है जीएल, जिसको आप मेगा जीएल भी बोल सकते हो, जिसमें लोग अच्छा खासा मनी को अचीव करते हैं, 49 रुपया लगाकर, 39 रुपया लगाकर 1 लाख 1 करोड़ लाख, मतलब कि बिग मनी, बड़ा मनी को अचीव करते हैं। और एक होता है स्मॉल लीग, जिसमें दोस्तों स्मॉल लीग में आ जाते हैं 4 मेंबर टीम, 25 मेंबर टीम, और इसमें आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट को भी खेलकर इस टीम से अच्छा खासा मनी को अचीव कर सकते हो। तो हम बताएंगे आपको कि स्मॉल लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे बनाना है और ग्रैंड लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे बनाना है। तो दोस्तों इसमें जो होता है उसमें थोड़ा सा रिस्की कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना होता है, और इसमें जो होता है बिल्कुल सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना होता है। इसमें हमको कोई भी रिस्क नहीं लेना होता है और इसमें हमें रिस्क लेना होता है। तो हम दोनों फॉर्मेट के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों अब आपको पिच के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कप्तान और उपकप्तान का चयन कर रहे हो तो आपके पिच के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो दोस्तों पिच तीन प्रकार के होते हैं, बैटिंग पिच, न्यूट्रल पिच और बॉलिंग पिच। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आप जब टीम बनाते हो तो टीम में कप्तान और वाइस कप्तान कैसे करोगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बैटिंग पिच के बारे में बताएंगे। फॉर्मेट कौन, क्या चीज का फॉर्मेट, तो टीम का फॉर्मेट, टीम का फॉर्मेट बताने वाला हूं। उसके बाद आपको कप्तान और वाइस कप्तान का चयन करना भी आ जाएगा। तो हम सबसे पहले बैटिंग पिच के बारे में बताने वाला हूं। तो बैटिंग, अगर पिच बैटिंग को फेवर करती है तो सबसे पहले तो यहां पे आ जाते हैं विकेट कीपर सेक्शन। आपको टीम चार फॉर्मेट में बनाना होता है, विकेट कीपर सेक्शन, बैटिंग सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन और जो है बॉलर सेक्शन। ओके, चार फॉर्मेट में बनाना होता है। तो दोस्तों हम दोस्तों टाइप अब जानेंगे कि जैसे कि विकेट की बैटिंग को फेवर करती है पिच, पिच बैटिंग को फेवर कर रही है तो हम टीम बना रहे हैं, पिच बैटिंग को फेवर कर रही है तब। ओके, तो हम विकेट कीपर में एक विकेट कीपर को लेंगे और यहां से बैटिंग पिच में मैं 6 बैट्समैन को अपने टीम में रखूंगा। ओके, और 1 ऑलराउंडर्स और 3 बॉलर्स मेरे टीम में रहेंगे। ये पहला फॉर्मेट हो गया। अब दोस्तों टाइप हम दूसरा टाइप को देखेंगे। तो दूसरा टाइप में एक विकेट कीपर, 5 बैट्समैन और यहाँ पे मैं 2 ऑलराउंडर्स को लेकर 3 बॉलर्स को अपने टीम में रखूंगा। तो ये जो होता है फॉर्मेट होता है बैटिंग टीम का, ये फॉर्मेट हो गया कि इस फॉर्मेट में आप टीम बनाओगे। और यहाँ का अगर विकेट कीपर में 2 बैट्समैन है तो आप 2 बैट्समैन को भी यहाँ पर लेकर यहाँ पे कम कर सकते हो। तो आप बैटिंग के अकॉर्डिंग आप अपना प्लेयर्स का ये कर सकते हो। अब दोस्तों अब हम दूसरा फॉर्मेट को देखते हैं। तो दूसरा फॉर्मेट आ जाती है न्यूट्रल पिच फॉर्मेट। तो न्यूट्रल पिच फॉर्मेट में हम लोग टीम कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले तो हम एक विकेट कीपर को अपने टीम में रखेंगे, 4 बैटर्स को अपने टीम में रखेंगे न्यूट्रल पिच के ऊपर, और 2 ऑलराउंडर्स और 4 बॉलर्स को रखेंगे। ये टाइप। अब हम दूसरा टाइप को देखेंगे। तो एक विकेट कीपर के साथ, 3 बैट्समैन के साथ, 3 ऑलराउंडर्स के साथ, 4 बॉलर्स को रखेंगे। ये दोस्तों न्यूट्रल पिच का फॉर्मेट बन चुका है। 2 टाइप में टीम बनता है और ये दूसरा फॉर्मेट हो चुका है। अब हम तीसरा जो देखेंगे बॉलिंग, बॉलिंग जो पिच बॉलिंग को फेवर करती है, पिच बॉलिंग होती है, उसमें आपको टीम कैसे बनाना है। तो पहला विकेट कीपर में हम एक विकेट कीपर को रखेंगे, 3 बैट्समैन के साथ, 2 ऑलराउंडर्स और 5 बॉलर्स को रखने वाले हैं। इस प्रकार से हम टीम बनाते हैं। अब हम दूसरा टाइप को देखते हैं। तो एक विकेट कीपर के साथ, 3 बैट्समैन के साथ, 1 ऑलराउंडर्स के साथ, 6 बॉलर्स को रखते हैं। तो ये हो गई बॉलिंग पिच फॉर्मेट। अब दोस्तों इसी मतलब कि ये पिच दोस्तों इसी प्रकार से होते हैं, 3 फॉर्मेट
फॉर्मेट होते हैं। पिच का तीन टाइप होता है, बैटिंग पिच, न्यूट्रल पिच और बॉलिंग पिच। अब इसी में हमको कप्तान और वाइस कप्तान बनाना होता है। तो अगर बैटिंग पिच है तो बैटिंग पिच में हमें कप्तान और वाइस कप्तान यहाँ से बैटिंग से बनाना होता है। कप्तान और वाइस कप्तान हमें बैटिंग से बनाना होगा, सी और भी सी हमें यहाँ से बनाना होगा। तो आप यहाँ से कप्तान और वाइस कप्तान बैटिंग पिच के ऊपर बैट्समैन को बनाओगे। अब पिच न्यूट्रल है तो न्यूट्रल पिच में आप जो है कॉन्स्टेंट प्लेयर्स को बनाओगे, जो है कांस्टेंट प्लेयर को बनाओगे जिनका रिसेंट में फॉर्म बढ़िया चल रहा है और ये जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल सेफ प्लेयर हैं, उनको आप बनाओगे न्यूट्रल पिच के ऊपर। अगर वो ऑलराउंडर्स है तो आप ऑलराउंडर्स को बनाओगे, अगर वो बैट्समैन है कांस्टेंट तो वो आप बैट्समैन को बनाओगे। अब दोस्तों बात आती है बॉलिंग पिच के ऊपर, तो बॉलिंग पिच के ऊपर आप इंपॉर्टेंट बॉलर्स को ही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाओगे। बॉलिंग पिच के ऊपर बॉलर्स को ही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाओगे। और दोस्तों मैं एक चीज और आपको बताना भूल गया दोस्तों, मैच का फॉर्मेट होता है वो कौन कौन से होता है। मैच ओडीआई का होता है, T20 का होता है, T10 का होता है और टेस्ट का होता है। तो दोस्तों इस सब में जो है यही तरीका वर्क करता है पिच। दोस्तों बैटिंग पिच में मैंने बताया बैट्समैन को कैप्टन वाइस कैप्टन करना, न्यूट्रल पिच के ऊपर कांस्टेंट प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन करना, और बॉलिंग पिच के ऊपर बॉलर्स को कैप्टन और वाइस कैप्टन करने के लिए बताया हूं। अगर आपको प्रॉपर टीम भी बनाना नहीं आता है कि आपको टीम कैसे बनाना है, तो अगला वीडियो जो मैं लेकर आऊंगा उसमें टीम बनाने के लिए बताऊंगा कि तीनों ही फॉर्मेट पे किस प्रकार से आप टीम बना सकते हो, बहुत ही बेहतर ढंग से आप समझ पाओगे। तो दोस्तों ये हो गई दोस्तों स्मॉल लीग की बात, ये हो गई स्मॉल लीग की बात कि स्मॉल लीग में आप जो है बिल्कुल सेफ बैटर्स, सेफ और सेफ कांस्टेंट प्लेयर, सेफ बॉलर्स को कैप्टन और वाइस कैप्टन करोगे, इसमें कोई भी रिस्क आप नहीं लोगे। और यही चीज ग्रैंड लीग में, अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो ग्रैंड लीग में क्या होता है, बस थोड़ा सा अलग होता है दोस्तों। जिसको कम लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन कर रहे हैं उसको आपको सेम फॉर्मेट में, जैसे कि जो बैट्समैन को कम लोग जो है जिनका थोड़ा सा रिस्की बैट्समैन को जो है परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं लेकिन पिच बैटिंग है, तो हम उस प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन करेंगे। मतलब रिस्की प्लेयर्स को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन करना होगा, सिंपल ही वर्ड में आप ये समझ लो ग्रैंड लीग के लिए ये बात हो गई। ओके तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन का चयन करना है। तो दोस्तों अगर आपको टीम बनाना नहीं आता है तो अगला वीडियो मैं टीम के ऊपर बनाऊंगा कि टीम आपको कैसे बनाना है, ग्रैंड लीग का, स्मॉल लीग का, तो पूरी प्लेइंग 11 को सिलेक्ट करने के लिए बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना।